मैं मौजूद हूँ गोपागंज के बापू इंटर कॉलेज में। आज सम्मान समारोह भी था और यहाँ पे आज शिक्षक दिवस के अवसर पे कार्यक्रम किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय अशोक कुमार राय जी, पूर्व प्रवक्ता संस्कृत बापू इंटर कॉलेज, जो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आज इनसे सवाल करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं, आज जो कार्यक्रम था इसमें सर क्या कहना चाहते हैं आप, आज का जो कार्यक्रम था शिक्षक दिवस के अवसर पे। आज का कार्यक्रम विदा होने वाले शिक्षकों के सम्मान में किया जाता है। ये हमेशा से विद्यालय की परंपरा रही है कि जो लोग इस वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं उनको हम पहले जो विदाई का कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा सा सम्मान के रूप में बदल दिया गया है कि विदाई से आशय लोगों का होता था कि जैसे ट्रेजडी जो था, लेकिन वो धारणा थोड़ी बदल करके उसको इस तरह से कर दिया गया है कि सामान्यतया जो विदा हो रहे हैं उन्हें यह न महसूस हो कि हम जैसे कोई धरती से तो विदा हो नहीं रहे हैं। जी जी। तो उसका भाव थोड़ा बदल के तो उस परंपरा में वो जब से विद्यालय है तब से चलता है और हर वर्ष 5 सितंबर को ये मनाया जाता है। सर क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं शिक्षक दिवस के अवसर पे, यहाँ पे उपस्थित हैं सभी लोग आपके साथ में? शिक्षक दिवस पर जो कहने योग्य है, जिसको तमाम मनीषियों, विद्वानों, शिक्षाविदों ने कहा है, तो वही बात कि हम जिस पेशे में, जिस कर्म में लगे हुए हैं उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। जैसे सरदार वो पूर्ण सिंह का एक निबंध है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जिस भी कार्य में लगे हुए हैं उसको पूरी निष्ठा के साथ करना ही ऋषि कर्म है। ऋषि कर्म का अर्थ यह नहीं है कि जंगलों में रहकर, गुफाओं में रहकर के हम का कार्य संपादित करें। ऋषि कर्म वह है कि अगर हम किसान हैं तो हल चलाना, बैलों को लेकर चलना, खेती करना हमारा ऋषि कर्म है। अगर हम अध्यापक हैं तो ठीक से समय से आना, पढ़ाना, अपने विषय के प्रति निष्ठा रखना, अपने छात्रों से संवेदना और निष्ठा रखना, ये हमारा ऋषि कर्म है। उसको छोड़कर अगर हम कोई दूसरे कार्य को महत्व देते हैं तो हम ऋषि कर्म से विरक्त होते हैं। एक सवाल आजकल देख रहे हैं, आजकल हमेशा सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है और सबके जहन में कहीं ना कहीं बस गया है कि सरकारी जितने भी कॉलेज हैं, सरकारी जितने भी संस्थान हैं, यहाँ पे काम ढंग से नहीं होते, ये लोग बस पैसा लेते हैं, बैठते हैं और बातें करके चले जाते हैं, और ये शिकायतें बिल्कुल हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहते हैं शिक्षक दिवस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस अंतर इतना ही है कि जो लोग प्रदर्शन करते हैं, हाई फाई विद्यालयों की बिल्डिंग बना लिए हैं, अपने अध्यापकों का शोषण करते हैं, करोड़ों की बिल्डिंग बना करके हर छात्र से 3-3 हज़ार वसूलने वाले, और जितनी फीस वसूलते हैं साल में 50 लाख करोड़ों फीस वसूल कर अपने अध्यापकों को 4-5 हज़ार रुपया के रूप देते हैं, बहुत योग्य अध्यापक जो रखते नहीं, जबकि सरकारी विद्यालयों में सारे अध्यापक योग्य हैं, वो काम करते भी हैं। अगर आप प्राइमरी शिक्षा को ले लीजिए तो प्राइमरी शिक्षा में इस समय जो टेट और टेट पास करके जो अध्यापक आ रहे हैं उनकी योग्यता में कोई संदेह नहीं है, और तो सरकार की पॉलिसी के अनुसार वो काम भी करते हैं। आप लोग, ये एक धारणा या एक फैशन के तहत हो गया है कि हम अगर अच्छे विद्यालय और महंगे बिल्डिंग वाले विद्यालय में नहीं भेजेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। ये सामान्य एक धारणा बन गई कि हमारी नाक कट जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोगों की नाक इतनी नरम है कि बहुत जल्दी जल्दी कटती है। बिल्कुल, ये सवाल कहा आपने, मगर ये चीज़ें यहाँ से भी उत्पन्न होती हैं। जैसे आपने बताया कि बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़े कर लेते हैं, उसका रीजन भी है कि जो लोग बड़े बड़े पैसे लेते हैं, मोटी पगार भी लेते हैं, और शिक्षक स्तर शिक्षा में ही देख लिया जाए, जो लोग सरकारी टीचर हैं उनके खुद बच्चे उस बिल्डिंगों में जाकर पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो सवाल उठेगा कि हम सरकारी टीचर होते हुए भी, सरकार से पेमेंट लेते हुए भी, बट हमारे बच्चे 3,000-4,000 रुपये फीस देते हैं और मात्र 3,000 से 4,000 पाने वाले टीचर के पास पढ़ते हैं। ये सवाल उठता है। हाँ, तो वही बात जो हमने कहा कि हमारे समाज में जो नाक कटने वाली बात है, तो हम भले सरकारी टीचर हैं, दूसरे से कहते हैं कि फिर हमारी भी वहाँ नाक कटने लगी, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज में जो दशा दूसरों की है वही उस सरकारी टीचर की भी है कि अपने तो वहाँ बुलाना चाहता है, अपने कोई विद्यालय पढ़ रहा है, क्योंकि उससे इज्जत उसकी अनुभूति होती है कि हमारा फला कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। तो जो मानव की मानसिकता है दिखावा की, अरे साहब आप, अरे नहीं हम ना पहना तो ना कि हम भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम भी क्वालिटी शिक्षा दे रहे हैं, इसके इसी मानसिकता से ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये किस वजह से ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है कि हमें अपने बच्चों को सरकारी संस्थाएं होते हुए भी, सरकारी कॉलेज होते हुए भी, हमें प्राइवेट में भेजना पड़ता है, ऐसी स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हो रही हैं आज? ऐसी स्थितियाँ उसी मानसिकता से उत्पन्न हो रही हैं
कि हर आदमी यह सोचता है मैंने अपने पर पूर्ण विश्वास न होना, जैसे हम किसी विषय के स्वयं ही विद्वान हैं, स्वयं ही अगर जानकार हैं तो हमको अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो हम अपने ही बच्चे को, अपने ही भाई बहन को दूसरे के हाथों में सौंपते हैं कि वो अच्छा पढ़ा जी। ये मानसिकता है, इसके तहत ऐसा होता है। अब कुछ तो वही दिखावा कि हम स्टेटस सिंबल बनाते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम छोटे आदमी माने जाएंगे। हमको लगता है पहला द्वेदी जी कि अगर हम अपनी हैसियत से देखते हैं कि अगर कोई 300 रुपए की प्रति किलो पाने वाला मजदूर है तो अभी किसी कानून से भेजना चाहता है, या मान के चलो एक दिन की मजदूरी हम दे देंगे उसमें, तो उसकी भावना वही है कि जब महंगे अधिक वाले में पढ़ाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था है कि वहाँ अच्छी पढ़ाई। बिल्कुल, ये अशोक राजू थी हमारे साथ।